वाई नहीं बनाया, सब अराउंड दीपावली मैंने बनाए थे। डिसाइड किया कि चलो कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिसका सामान हमें घर में ही मिल जाए। तो कुछ पुरानी बॉटल्स हुई, मेटल के डब्बे हुए, या फिर और भी छोटी छोटी चीजें हुई, उनसे मैंने बनाए हैं कुछ DIY। तो बनाए तो मैं काफी सारे हैं, लेकिन सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो अभी रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले DIY से। DIY बना रहे हैं, वो बना रहे हैं ग्लू गन की मदद से। आप लोग मुझसे पूछते हो सबसे अच्छी ग्लू गन कौन सी होती है या मेरे पास कौन सी है, तो मेरे पास जो ग्लू गन है वो है मारियो ब्रांड की। मैंने जब ये ली थी तब उन्होंने बोला था कि शायद ये बेस्ट होती है, और ये 40 वॉट की है और बढ़िया चल रही है, काफी दिनों से मैं इसको यूज कर रही हूँ। या फिर मेरे पास और ये एक और ग्लू गन है, मैं रखती हूँ अपने पास एक एक्स्ट्रा, इसे मैंने पहले यूज किया था, ये नियो ब्रांड की है, ये भी 40 वॉट की है। तो सबसे पहला DIY जो हम बनाएंगे वो इसी ग्लू गन की मदद से बनाएंगे। और अगर आप उसे मार्केट से, इस DIY को बनाने के लिए मैंने लिया एक ग्लास का पीस, कांच का टुकड़ा। आप इसे जो है किसी फर्श पर, टाइल्स पर, मार्बल फ्लोर पर बना सकते हैं, ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। और इसे इतना लंबा, जितना भी लंबा बनाना चाहें उतनी लंबी एक सीधी जो है हम स्टिक बना लेंगे ग्लूगन की मदद से। और ग्लूगन को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, ये बीच बीच में ठंडी होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दबाकर इसका यूज़ करें, थोड़ा इसे ठहर ठहर के आपको यूज़ करना है। जब एक लंबी लाइन हम ग्लूगन की मदद से बना लेंगे तो उसके बाद हमें छोटी छोटी पत्तियां बनानी है। तरीका आप ध्यान से देखिए, एक जगह पे ग्लू निकाला और उसे बीच वाली लाइन से अटैच कर दिया, देखिए कुछ इस तरह से। और ये जो हम पत्ती बना रहे हैं ये थोड़ी सी मोटी बनाएंगे, यानी इसमें हमें थोड़ा ग्लू रखना है। जब हम इस ग्लू को थोड़ा ज्यादा निकालेंगे तो जो ये पत्तियां हैं ये मोटी बनेंगी, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये थोड़ी सी पतली हो जाएंगी तो फ्लैट सी बनेंगी और ये बहुत ज्यादा सुंदर नहीं लगेंगी। और इसको हम इस तरह से दोनों साइड पे ये छोटी छोटी सी मोटी पत्तियां बना लेंगे। और इस तरह की मैंने काफी सारी बनाई है, आपको जितनी भी लंबी स्टिक बनानी है उतनी लंबी ही आप पहली वाली जो हमने एक लाइन बनाई थी ना वो उतनी ही लंबी रखिएगा। मैंने एक नॉर्मल साइज रखा है और देखिए कितनी सुंदर ये ड्रॉप्स लग रही है, और ये बनके इतना अच्छा लगेगा कोई कह ही नहीं सकता इसको देखकर कि ये आपने खुद घर पर बनाया है। और बनाने में बहुत आसान और झटपट बनने वाला है। और इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी अलग से मैंने पत्तियां यानी कि ड्रॉप्स बना ली हैं, जिनको कि मैं ऊपर से भी इसमें अटैच कर दूंगी किनारे पे इस स्टिक के, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा एक फ्लावर सा बन जाए। तो ग्लू का हम यूज, ग्लू गन का जो ग्लू होता है उसका यूज इसलिए करते हैं ताकि ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है और इंस्टेंट इससे रिजल्ट मिलने लगते हैं। इसके अलावा कोई भी ग्लू ऐसा नहीं है जो इतनी जल्दी जो है सूख जाए, सिवाय जो हमारी वो क्विक फिक्स होती है उसके। और इस तरह से मैंने काफ़ी ढेर सारी जो है मतलब स्टिक्स बना ली हैं, क्योंकि एक तो इनका ना डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, बनने में अच्छी लगती हैं। आप ग्लास के पीस पे अगर बनाएं तो उसका ध्यान रखिएगा ये इतना लंबा और बड़ा हो कि आराम से इसमें जो है आपकी सारी ड्रॉप्स जो है मतलब पूरी एक स्टिक लंबी बन जाए। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही हैं और काफ़ी मैंने ये थिक बनाई हैं। और बहुत ही आराम से किसी भी नाइफ की मदद से आप इनको हटा सकते हैं। कभी अगर आपको लगे ज़्यादा चिपक गया है तो नाइफ की इस्तेमाल कर लिए, वरना ये आसानी से निकल जाती हैं। और देखिए ये बहुत ही बढ़िया लग रही हैं और मैं बार बार इन्हें बनाती जा रही हूँ और हटाती जा रही हूँ। एक्रेलिक कलर से पेंट करूंगी, और अगर आपके पास स्प्रे पेंट हो तो आप स्प्रे पेंट से भी पेंट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये लगेंगी। थोड़ा सा सूखने में एक्रेलिक पेंट को टाइम लगेगा, तो विंटर्स चल रहे हैं ना, तो इन्हें मैं लाती हूँ अब इससे पेंट करके। ग्लूगन के जो ग्लू की शाइन होती है उससे कलर बहुत ही अच्छा आया है, डार्क ग्रीन कलर से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये हमने मार्केट से परचेस करी हैं। किसी भी वास में आप इन्हें लगाइए, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो बताना जरूर ये DIY आपको कैसा लगा। और
अब बनाती हूँ मैं अपना दूसरा DIY, जिसके लिए मैंने ली है एक ग्लास की बॉटल जो नीचे से क्रैक हो गई थी। इसमें ज़्यादातर मैं अपना डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ, और ये मैंने लिया है देखिए कुछ इस तरीके की, मतलब एक रस्सी भी नहीं बोल सकते इसको, ये रेशम की डोरी है। जहाँ कहीं भी जो लेसेस वगैरह होती हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान मिलता है, वहाँ ये आसानी से मिल जाएगी। और मैंने इसको कुछ इस तरह से एक लेंथ ली जितनी बॉटल की लेंथ थी, और उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने इसको कट कर लिया। और इसके ना काफ़ी सारे पीसेस हमें कट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसे बॉटल के चारों तरफ लगाना है और एक डिज़ाइन बनाना है। आजकल इस तरीके की जो बॉटल्स आती हैं या वासेज आते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली हैं, करीब 700-800 रुपीज़ के वो आते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ ले लूँ, लेकिन फिर मैं छोड़ देती हूँ, और मैंने सोचा कि चलो यही बनाया जाए। अब ग्लूगन की मदद से ही जो ये हमने डोरी काटी है ना, इनको हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। ये जो डोरी है, ये थोड़ी सी मैक्रेम वाली जो डोरी होती है उससे पतली है, और बीच में मैंने इस तरीके से इसको लगाना स्टार्ट किया है। और देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है नीचे की तरफ, और बाद में मैं इसे कट कर दूंगी, थोड़ा सा शेप अच्छी सी आए, मजबूती से जब हम इसमें डिज़ाइन बनाए वो बन सके, इसलिए मैंने ये इसे थोड़ा सा जो देखिए नीचे की तरफ मैं काफ़ी बड़ा चिपका रही हूँ ये, और इस पूरे जगह को मैं मतलब लास्ट में काट दूंगी। तो ये बेस जो है ना इसका, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अब हमें क्या करना है, जैसे हम अपनी चोटी बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से, इसमें से तीन मतलब रस्सी लेके या तीन डोरी लेकर हमें एक चोटी सी बनानी है, और फिर उसको हम जो है ग्लूगन की मदद से चिपका देंगे। बहुत ही आसान है, देखिए ये बन गई है, इसे यहाँ पे नीचे चिपका देंगे, और इसके साइड में फिर हम तीन डोरी और लेंगे और उनको भी चिपका देंगे। तो इस तरह से देखिए डिज़ाइन बनता चला जाएगा, यानी कि हमें बनानी है एक चोटी और उसके एक साइड में हमें तीन सिंपल डोरी चिपकानी है इसी तरह से। तो देखिए ये बहुत ही फटाफट बन गया। हाँ, मतलब जब इसकी चोटी बनाने में लगे होंगे 15-20 मिनट, अदरवाइज ये DIY ऐसा है जो बहुत ही जल्दी बन जाता है। और इसे ना चिपकाने के लिए मैंने ग्लूगन का यूज़ इसलिए किया क्योंकि जो ग्लूगन की ग्लू होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट जो है चीज़ों को चिपका देती है। इसके अलावा अगर किसी भी ग्लू का यूज़ करते हैं तो उसे चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसकी खासियत ये है कि आप इसे किसी भी सर्फेस पर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इसलिए ये सही लगी और मैंने इसी की मदद से पूरा अपना DIY तैयार कर लिया। और जो इसके आगे का पार्ट था, इसको मैंने थोड़ा सा कट करके बॉटल के अंदर ही चिपका दिया है, और पीछे से भी जितना एक्स्ट्रा मैंने पेस्ट किया था उस सबको मैंने हटा दिया। और जो छोटे छोटे से कुछ मेरे पास जैसे चीज़ें रखी रहती हैं, उनसे मैंने इसको डेकोरेट कर दिया, और ऊपर की तरफ भी मैंने एक इसमें रस्सी सी लपेट दी। का डब्बा, अमूल का मेटल का डब्बा है, इससे मैं एक बहुत ही बढ़िया वास टाइप क्रिएट करूंगी जो कि बहुत आसान है, फटाफट बन जाता है। और पहले मैंने सोचा था कि इस पे मैं पेंट कर लूंगी, लेकिन इस पर कोई भी पेंट नहीं करूंगी, डायरेक्टली इस पे जो मुझे काम करना है वो वर्क करूंगी और फिर उसके बाद फाइनल पेंट करूंगी। तो पहले मैं इसे जो हूं थोड़ा सा क्लीन कर लाती हूं। इस DIY को बनाने के लिए मैंने लिया एक पेपर टेप, और उसे एक टेबल पे मैंने पेस्ट कर दिया, जो जहाँ से उसमें ग्लू लगा होता है उस साइड को ऊपर रखा है, और उसके ऊपर जो ये स्टिक्स आती हैं ना, चॉप स्टिक्स टाइप की आती हैं, या इनसे पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं इनको, मतलब ये स्क्यूअर्स टाइप की होती हैं, इनको मैंने इसी पेपर टेप के ऊपर चिपका दिया है। ये पेपर टेप है और पेपर टेप को साइड में मैंने पेस्ट कर रखा है, तो इससे जो है ना डिज़ाइन बहुत आराम से बन जाता है। अगर हम डायरेक्टली किसी भी डब्बे पे इन्हें चिपकाते हैं तो कभी बड़ा या छोटा होने की चांसेस रहती हैं, तो पेपर टेप पे इस तरीके से बिल्कुल आसानी से डिजाइन बन जाएगा। और ये डिज़ाइन आप चाहे जैसा बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ये डिज़ाइन बनाया है, और इनको मैंने कहीं से भी कट नहीं किया है। और जो ये स्क्यूअर्स आती हैं ये सबसे बड़ा वाला साइज़ है, और ये अलग अलग साइज़ की आती हैं, तो मैंने जैसे दो ऊपर रखी हैं और दो नीचे रखी हैं, और इन्हीं के सपोर्ट से ही हम जो है अपने इस DIY को खड़ा करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट
डायरेक्टली देखिए इस तरह से स्टिक को ऊपर ग्लूगन की मदद से डब्बे के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब जब हमारा पूरा डिज़ाइन प्रिपेयर हो जाएगा तो हमने डब्बे पे लगाया ग्लू, और देखिए इस पे जो हमने ये पेपर टेप के ऊपर डिज़ाइन बनाया है इसके ऊपर इस तरह से रखा है। ये सूख जाएगा तो थोड़ा थोड़ा लगा के करना है और फिर इसको घुमाते जाना है, और एक साइड से देखिए इस तरह से पूरा ये चिपकता चला जाएगा। उठा के इस पे चिपकाते जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और सही डिज़ाइन इसका बनकर आता है। जब पूरा डिज़ाइन बन जाएगा तो ऊपर से पेपर टेप को भी हटा देंगे, और जब इसे लगाते जाएंगे ना तो अंदर भी इसमें ग्लूगन की मदद से मतलब ग्लू से इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देंगे ताकि कभी भी ये निकले नहीं। और जो ये स्क्यूअर्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और अच्छी तरीके से हमारे पूरे DIY को ये होल्ड करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया एक DIY हमारा रेडी हो रहा है, और इसमें तो कलर करने की भी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ना मैं पेंट करूंगी और स्प्रे पेंट से ही पेंट करूंगी। इसमें स्प्रे पेंट, ऑयल पेंट या एक्रेलिक पेंट कोई भी पेंट हो सकता है। अब मैं इस पे स्प्रे पेंट से पेंट करके लाती हूँ पूरे पे, और फिर इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है वो करेंगे। देखो अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा फिनिश होके बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत आसान तरीका है, आप इसमें चाहें तो टेप की मदद से भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से इन स्टिक्स को चिपका सकते हैं। ये है ब्लू कलर का स्प्रे पेंट जो कि मैं इस पे करूंगी। कलर मेरे पास थोड़ा सा कम था तो मैंने क्या किया, एक कोट तो इसको मैंने कर दिया है इसी स्प्रे पेंट की मदद से, लेकिन अभी इसमें एक कोट होना और बाकी है, और थोड़े से मैंने इसमें ये बटन्स लगा दिए हैं। अभी इस पे एक कोट और करूंगी और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा लुक रिवील करूंगी। इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा डिज़ाइन या पेंटिंग भी बना सकते हैं। अब ये चीज़ तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, अदरवाइज DIY तो हमारा रेडी ही है। तो ये हो गया DIY वाला वीडियो। कौन सा DIY आपको पसंद आया जरूर बताना, और इस तरह से आप भी बना सकते हो बहुत आसानी से। कुछ और DIY अगर आप चाहते हो मुझसे तो आप उनके बारे में भी मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी अगर मुझे आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर पसंद आए ना तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।